सारा मीडिया उन्हें दिखाता है। थोड़े दिन पहले हमने देखा वो दलाल चौधरी साहब जो है वो मीडिया पे बैठे गालियां दे रहे थे, और मीडिया भी कौन सा, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, और बाकायदा वो नशर किया गया, लेकिन ना पैमरा ने कोई नोटिस लिया, ना टीवी चैनल को बंद किया, ना किसी को बैन किया गया, ना कोई और हरकत की गई, ना कोई बंदे हटाए गए। लेकिन ये एक्शन जो है, क्योंकि तलाल चौधरी है इस वक्त हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक है, तो वो पीटीवी के ऊपर बैठ के गालियां दे सकते हैं, और वो दे रहे हैं गालियां, गंदी जुमानी जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब वो बेचारे कह रहे हैं कि इमरान खान गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और कारकुन पैदल चल रहे हैं। भाई इस वक्त अगर इस पूरे रीजन के अंदर किसी लीडर की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो इमरान खान है, जिसके ऊपर गोलियां भी चल चुकी हैं। बाहर खड़े हुए किसी भी कारकुन से पूछो, या किसी भी मजदूर से, या किसी भी आम आदमी से पूछो कि क्या इमरान खान को गाड़ी से बाहर निकालना चाहिए, तो हर आदमी उस काफले के साथ चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में है। आज लाखों लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तीन जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में, दूसरा इस्लामाबाद के नजदीक रावलपिंडी में, वो रावलपिंडी वाली रैली जो है वो अपने पॉइंट तक पहुंच के इस्लामाबाद में दाखिल हुए बगैर वापस वो मुड़े, क्योंकि वहां पे आगे कंटेनर लगा दिए गए थे। और पाकिस्तान तरीके से लड़ाई चाहती नहीं फिलहाल, क्योंकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कल मुज़ाकरात का एक और दौर होने वाला है, मंगल है कल। जितना मर्जी आप डिले करें, वो दिन आ ही जाता है जिस दिन आपको मुज़ाकरात करने होते हैं, आप भाग नहीं सकते, लिहाजा कल की मुज़ाकरात भी होगी। तो रावलपिंडी में भी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, लेकिन लाहौर में तो रिकॉर्ड टूट गया, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त रैली को इख्तिताम की जानिब लेकर जा रहे हैं। इमरान खान का खिताब करेंगे, वो खिताब सुनेंगे, फिर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक कामयाब रैली है। और बहुत सारे लोग जिनकी बंदे गिरने पर ड्यूटी होती है, वो बेचारे सांस सुन रहा हुआ है, बोली भी दे, हो सकता है आज रात को वो निकले, और निकल कर कहें कि एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक, याद रखिएगा, हो सकता है वो ये कह रहे हों, क्योंकि इस तरह भी होता है, एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक, फला एजेंसी के मुताबिक इतने बंदे, स्पेशल ब्रांच के मुताबिक इतने बंदे थे, इंडिपेंडेंट जराए के मुताबिक इतने बंदे थे, मीडिया नुमाइंदगान के मुताबिक इतने बंदे थे, और इस तरीके से ये रैली निकली। लोग करेंगे ऐसा, लेकिन जो कैमरे की आंख है वो सारा कुछ एक्सपोज कर देती है। लोगों ने सारे रस्ते इमरान खान साहब के कोई फूल निछावर किए हैं, और लाहौर और उनका नहीं रहा उनका ये हुआ करता था। एक दौर था कि लाहौर में तोती बोलता था नवाज शरीफ का, लेकिन नवाज शरीफ से लाहौर शहर छिन चुका है, बुजदिल का कोई ग्राउंड नहीं होता, बुजदिल की कोई रियासत नहीं होती, बुजदिल का कोई मुल्क नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, पैसा तो कमा सकता है लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल होता है, लड़ाई छोड़कर भाग जाना होता। नवाज शरीफ लड़ाई हमेशा भागा है, इस नवाज शरीफ साहब से पाकिस्तान वापस आने से डर रहे हैं। यही मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। स्टेटमेंट ये ख्वाजा आसिफ साहब का है, जो बहुत बहादुर अपने आप को कहते हैं, और इमरान खान साहब को हाल ही में उन्होंने ताने दिए हैं